हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। देखिए गाइस, प्यारी सी मैंने कैप बनाई है और ये प्यारा सा बिना अस्तर बिना बुकरम ये ड्रेस मैंने बनाया है। कुछ भी नहीं डाला है गाइस। कुछ इस तरह से पहनाएंगे तो अंडरवेल भी बन जाएगा, तो ये समर ड्रेस में भी यूज़ कर सकते हैं और रात को नाइट ड्रेस में भी हम बाल गोपाल जी को ये ड्रेस पहना सकते हैं। कुछ भी दिक्कत नहीं है और बनाना तो इतना इजी है, मैंने पूरे वीडियो में स्टेप बाय बताया है। तो चलिए हम कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 7 नंबर के कान्हा जी लिए। ये ड्रेस हम 5, 6 और 7 को आसानी से पहना सकते हैं, कुछ भी दिक्कत होती नहीं है। तो गाइस कुछ इस तरह से हमें पहनाना है। गाइज मैंने और भी बहुत सारे लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के, ज्वेलरी के, कुकिंग के, हैंडवर्क के, टीचिंग के वीडियोस बनाए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो देखिए गाइज, अंडरवेल भी हमारा बन के रेडी हो गया है। पूरा ड्रेस मैंने लड्डू गोपाल जी का नाप लेकर वीडियो में बताया है। तो देखिए गाइस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने मित्रों में वीडियो को जरूर शेयर करना। ये ड्रेस में मैंने रिबिन और कॉटन के कपड़े का ही यूज़ किया है, फिर भी कितना प्यारा बन के रेडी है। और ये हमारा अंडरवेल है, तो ड्रेस के साथ ही अंडरवेल बन जाता है। कुछ इस तरह से मैंने न्यू डिजाइन में लड्डू गोपाल जी का ड्रेस बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉटन की लंबी स्ट्रिप ली है। मेरे पास जितनी लंबी थी उतनी मैंने ये स्ट्रिप ली है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से घेरा बना सकते हैं। और यहाँ मैं रिबिन का भी यूज़ करूँगी इनके साथ, और हम बनाएंगे बिना बुकरम बिना अस्तर, तो भी बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस बन के रेडी हो जाता है। तो इसकी लंबाई है 39 इंचिस और चौड़ाई इसकी 3 इंचिस है। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। रिबिन के बीच में कपड़ा रख कर इस तरह से हमें मोड़ना है और इनके ऊपर हमें टिच करना है। इसी तरह से हमें पूरी स्ट्रिप में एक साइड टीच कर लेना है। तो चलिए पहले टीच कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारी टीच हो गई है। अब हम फिर से रिबिन लेंगे और इसको इस तरह से मोड़ कर इनके ऊपर हमें प्रेस टीच लगाना है। दोबारा हम लगाएंगे रिबिन। अगर आपके पास रिबिन नहीं है तो लेस का यूज़ कीजिए, लेस भी नहीं है तो कपड़े का यूज़ करके भी आप बना सकते हैं। तो देखिए, आप चाहो तो 3 बार भी ये रिबिन लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बार लगाया है। अब हमें धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी के कमर के हिसाब से प्लेट्स लेने हैं। प्लेट्स हमें 1.5 इंच के लेने हैं। कपड़ा हमारा टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए वो ध्यान में लेना है, और बीच बीच में हमें नाप करते जाना है। हमें जितनी कमर बनानी है उतनी हमें प्लेट्स लेनी है। अगर पता न चले तो आप बीच बीच में इस तरह से नाप लेकर भी प्लेट्स ले सकते हैं। तो देखिए गाइज, हमने कमर के हिसाब से प्लेट्स ली है। तो यहाँ पे मैंने कमर 5 इंचिस रखी है। अब हम लड्डू गोपाल जी का नाप लेंगे। तो हमें कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़कर नाप लेना है। तो ये हमारे 5 इंचिस पर आया है और गला में 1 इंचिस से 2 पॉइंट ज़्यादा रखूँगी। तो कुछ इस तरह से हमें कपड़ा मोड़कर बनाना है, इसीलिए मैंने 6.5 इंचिस लंबाई ली है और 1.5 इंचिस मैंने चौड़ाई ली है। अगर आप रिबिन का यूज़ नहीं कर रहे तो आपको 2 इंच चौड़ाई लेनी है, क्योंकि हमने दोनों साइड कपड़े को मोड़ना है। यहाँ पे मैं रिबिन का यूज़ कर रही हूँ इसीलिए 1.5 इंच लिया है। तो कुछ इस तरह से रिबिन के बीच में हमें कपड़ा रखना है और पूरी स्ट्रिप में
स्टिच कर लेना है। इस तरह से हमें दोनों साइड स्टिच करना है। ऊपर मैं गला बनाऊंगी और रिबिन का ही डोरी बना लूंगी पतली वाली, क्योंकि हमें दूसरी डोरी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो कुछ इस तरह से फोल्ड करके एक गले पे बांधने के लिए मैंने डोरी बना ली। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगा देंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड स्टिच कर लिया है। फिर से हम नाप ले लेंगे कुछ इस तरह से बांध कर, ताकि हमारा ड्रेस परफेक्ट तरीके से पूरे नाप में बने। तो देखिए गाइस कुछ इस तरह से हम स्ट्रिप को मोड़ेंगे, तो अभी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है हाफ इंच, तो यहाँ से मैं हाफ इंच कट कर दूंगी। अब परफेक्ट तरीके से नाप आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम घेरे को सेंटर निकालेंगे। इस तरह से मोड़ कर बीच में इस तरह से रख कर हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है। तो ये हमारे सेंटर में स्ट्रिप अटैच हो जाएगी, तो ये हमारा अंडरवेल भी बन जाएगा और चोली भी बन जाएगी। देखिए हमारा घेरा अटैच हो गया। अब हमें इसको उल्टा कर देना है और यहाँ पे हम नेफा बनाएंगे। तो इसकी लंबा है 6.5 इंचेस, चौड़ा इसकी 1.5 इंचेस है। इस तरह से फोल्ड करके यहाँ से हमें स्टिच करना है। अगर नेफे का कपड़ा आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ा सा कट कर लीजिए कुछ इस तरह से और मोड़ कर स्टिच कर लीजिए। तो ये हमारा नेफा अटैच हो गया। अब जो एक्स्ट्रा ऊपर का कपड़ा है उसको हम कट कर लेंगे, ताकि नेफे की फिनिशिंग अच्छी आए। अब हम क्या करेंगे, बीच में ये डोरी डालेंगे। ये डोरी बाज़ार में कम खर्च में आसानी से मिल जाती है। तो कुछ इस तरह से बीच में रखना है और डबल बार फोल्ड करना है और यहाँ पे स्टिच कर लेना है। ध्यान में रखना है कि हमें डोरी के ऊपर स्टिच नहीं करनी है, नहीं तो हमारे नेफे की फिनिशिंग और बीच में जो डोरी डाली है वो भी खिसकेगी नहीं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें डोरी को हिलाना है। तो ये हमारा ड्रेस बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे कैप। इसकी लंबाई है 5 इंचेस और चौड़ाई इसकी 1 इंच है। अब हम इस रिबिन का इस तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे प्लेट्स लेंगे। कुछ इस तरह से हमें प्लेट्स लेने हैं, बहुत ही नज़दीक नज़दीक रखने हैं। जितने हमारे प्लेट्स नज़दीक होंगे ना, उतनी कैप हमारी सुंदर बनती है। ये प्लेट्स हमें अपने जो कैप बनाने का कपड़ा लिया है ना, उतनी प्लेट्स हमें बनानी है इनके नाप की। आपको पता न चले तो कुछ इस तरह से नाप ले लीजिए और उतनी आप प्लेट्स बनाइए। अब हम ये प्लेट्स कपड़े पर स्टिच करके इस तरह से अटैच कर देंगे। तो देखिए ये हमारी स्टिच हो गई है। अब एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे और अच्छी तरह से यहाँ पे दोबारा स्टिच कर लेंगे, ताकि पक्का हो जाए। और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से पलटाएंगे और इस दोनों किनारों को हम मिला देंगे और यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। लड्डू गोपाल जी के सिर के हिसाब से हमें स्टिच करना है। अंदाजित स्टिच करने का अगर समझ में न आए तो आप बाल गोपाल जी का सिर का नाप ले लीजिए कुछ इस तरह से, तो परफेक्ट तरीके से आ गई है। दो उंगली का नाप बाल गोपाल जी का सिर आ जाता है। अब हम ऊपर की तरफ सुई और धागे की मदद से इस तरह से गोल गोल हम स्टिच कर लेंगे और धागे को अच्छी तरह से खींच कर यहाँ पे बांध लेंगे। पक्का नॉट लगा देंगे ताकि यहाँ से छूटे नहीं। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये प्यारी सी कैप हमारी बनके रेडी है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना।